Good morning, student. Welcome to St. Angel's Online Classes from Home. Dear student, today we have Chapter 7, Glimpses of India, in which we have started the first part, A Baker from Goa. Dear student, in the first part, we came to know that this is a pen portrait of a traditional Goa village who still has an important place in the society. And dear student, from that place, we came to know how the bakers are important with the passage of time in this traditional Goa village. So let's start it. The baker made his musical entry on the scene. We can see early in the morning, the baker, those people who make breads, जो लोग ब्रेड बनाते हैं वो आते थे रोज सुबह अपनी ब्रेड्स को बेचने के लिए. तो कैसे बोल रहा है, The baker made his musical entry. जो bakers थे, they made his musical entry. वो आते थे, they एंट्री करते थे, म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद ए जैंग जैंग साउंड. सीन इन द मॉर्निंग और इन द विलेज, किस साउंड के साथ, विद अ जैंग जैंग. डियर स्टूडेंट, दैट वाज अ साउंड दैट वाज क्रिएटेड बाय द बैम्बो एंड द बेल, जो उस बैम्बो पर बांधी होती थी. तो इसलिए इसको क्या बोला गया, म्यूजिकल एंट्री बोला गया. साउंड ऑफ इज स्पेशली मेड बैम्बो स्टफ, जो साउंड जो होता था वो किससे होता था, स्पेशली मेड अ बैम्बो स्टफ. हम बात करते हैं एक बैम्बो, अ लॉन्ग स्टिक, एक बड़ी सी स्टिक होती थी जिसको बांस भी हम बोलते हैं. वन हैंड सपोर्टेड टू द बास्केट ऑन हिज हेड, एक हाथ से जो बेकर थे क्या करते थे, दे सपोर्ट द बास्केट, जो बास्केट उसे सपोर्ट किया करते थे जो उनके सर पर होती थी. एंड द अदर बैंग्ड द बैम्बो, और जो दूसरा होता था, द स्टूडेंट बैंग्ड यहाँ पर है बीट विथ, ठक ठक द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, जो बैम्बू था उसे ग्राउंड पर बीट करते थे. He would greet the lady of the house with good morning. वह ग्रीट करता था, वेलकम करता था लेडी ऑफ द हाउस, जो घर की लेडी थी, विद गुड मॉर्निंग. एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और फिर क्या करता था डी स्टूडेंट, प्लेस रखता था हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू. वी कैन से वर्टिकल स्ट्रेट बैम्बो, एक सीधा बैम्बो जो बांस. वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद ए मिल रिब्यूक, वी किड हम जो बच्चे थे, व्हेन वी सा वी अट्रैक्टेड, हम उन्हें अट्रैक्ट होते थे, हम उन्हें दौड़ते थे देखने के लिए, तो हमें क्या किया जाता था, वी कुड वुड बी पुश्ड, हमें क्या किया जाता था, पुश्ड असाइड, वी कैन से वी वर पुट अवे, हमें दूर रखा जाता था विद ए माइल्ड रिब्यूक, हल्की सी रिब्यूक के द्वारा. रिब्यूक यहाँ पे होता है स्कोल्ड करना, डांटना. एंड द लोव्स would be delivered to the servant, और जो loaves थे dear student, pieces of bread थे, वो deliver किए जाते थे to the servant. But we would not give up, लेकिन हम सब लोग क्या नहीं करते थे, हम हार नहीं मानते थे. We would climb a bench, हम क्या करते, एक bench पर और a parapet, a kind of wall, दीवार पर climb करते, चढ़ते. And peep into, look into, देखते थे in the basket, basket में. Somehow I can still recall the typical fragrance of those leaves, और चाहे कुछ भी हो, कैसे ना कैसे, आज भी I can still recall, remember the typical fragrance, scent, smell, खुशबू of those loaves and bread, की जो खुशबू है वो आज भी मैं याद कर सकता हूँ. Loaves for the elders and the bangle for the children. जो pieces of bread होते थे वो होते थे elders के लिए. And the bangles for the children, और जो bangles होती थी it was for the children. Dear student, there was a bangles made of bread. Then we did not even care to brush our teeth. और उसके बाद we did not even care to, हम बिल्कुल भी care नहीं करते थे brush our teeth, अपने teeth को brush करने की, wash our mouths, अपने face को wash करने की, धोने की properly. Why should we, हम क्यों करें, who would take the trouble of pulking the mango leaf, कौन उठाएगा, who would take लेगा trouble, मुसीबत of pulking, तोड़ने की, the mango leaf, जो आम की जो पत्तियां होती हैं, for the toothbrush, toothbrush के लिए. We can understand that in that time there was mango leaf, जिनका इस्तेमाल किया जाता था as a toothbrush. And why was it necessary at all, और ये आवश्यक ही क्यों था, the tiger never brushed his teeth, जो tiger होता है वो कभी भी अपने teeth को brush नहीं करता है. Hot tea could wash and clean up every so nicely, और जो गर्म चाय होगी वो क्या करेगी, वो कर सकती है साफ, धो सकती है, clean कर सकती है everything so nicely after all.
Marriage gifts are meaningless without the sheet. We can see in the marriage, जो marriage में जो gift होते थे, they were meaningless without the sweets. वो बिना sweets के क्या थे, dear student? Meaningless थे, अर्थहीन थे, मतलब they were not that important. Bread known as the ball, और जो sweet bread जो थी, मीठी जो bread, जिसको किस नाम से जाना जाता था? Ball के नाम से जाना जाता था. Dear student, in the marriage, ball was used as a gift, just as a party or feast. Just as a party or feast loses its charm. जैसे कि हम समझ सकते हैं, कोई भी party या कोई भी दावत loses its charm, अपनी beauty को खो देती थी without bread. That was so important. जो bread था उस village में इतना ज़्यादा important था कि कोई भी party और शादी बिना bread के possible नहीं थी. Not enough can be said. Not enough can be said to show how important a baker can be for the village. और ये पर्याप्त नहीं है आपको ये बताने के लिए, दिखाने के लिए कि कितना important एक baker हो सकता था in the village. He was really very important person in the village. The lady of the house must prepare sandwich. जो lady थी घर की, वो क्या करती थी? They used to prepare sandwich on the occasion of her daughter's engagement. अपनी जो बेटी है उसके एंगेजमेंट के अवसर पर वो क्या बनाते थे? सैंडविच. केक एंड बोलिनास आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल. केक्स एंड बोलिनास बहुत ज्यादा जरूरी थे क्रिसमस के लिए, एज वेल एज अदर फेस्टिवल, और दूसरे जो फेस्टिवल थे उनके लिए भी. दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस. इन दिस वे द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस, जो बेकर का जो ओवन था उसकी प्रेजेंस गाँव में होना इज एब्सोल्यूटली, इट्स एक्यूरेटली, बिल्कुल एसेंशियल था, बहुत ज्यादा आवश्यक था. द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड पिकुलर ड्रेस नोन एज द कबाई. द बेकर डियर स्टूडेंट और ब्रेड सेलर जो उन दिनों में थे, दे यूज टू हैव अ स्ट्रेंज ड्रेस जिसका नाम क्या था? कबाई. इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक. ये क्या हुआ करता था? एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होता था, रीचिंग डाउन टू द नी, जो उनके घुटनों तक पहुंचता था. इन आवर चाइल्डहुड वी सा बेकर्स वियरिंग ए शर्ट एंड ट्राउजर. लेकिन हम अपने जो नैरेटर है कोडी की, अकॉर्डिंग टू हिम, अपने बचपन में उसने क्या पहने हुए देखा बेयर को, बेकर्स को? शर्ट एंड ट्राउजर. विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो फुल लेंथ से थोड़े छोटे होते हैं, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, और हाफ पैंट से थोड़े से ज्यादा बड़े होते हैं. इवन टूडे anyone who wears a half pant which reaches just below the knee, और आज भी जो भी कोई who wear जो पहनता है half pant जो उसके घुटनों से नीचे जाती है, invite the comment, लोग उसे comment करते हैं that he is dressed like a pattern, कि उसने कैसे dress पहनी है, like a pattern. The baker usually collected his bills at the end of the month. जो बेकर्स होते थे यूजुअली क्या करते थे? कलेक्ट करते थे, गैदर करते थे अपने बिल्स को एट द एंड ऑफ द मंथ, मंथ के लास्ट में. मंथली अकाउंट यूज टू बी रिकॉर्डेड. मंथली अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाता था टू रिकॉर्ड, टू राइट ऑन सम वॉल इन पेंसिल, दीवार पर पेंसिल से लिखकर. बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज. और जो बेकिंग था सचमुच में यह एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में. द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व. जो बेकर और जो उनका परिवार है वो कभी भी स्टार्व, डाई ऑफ हंगर, भूख से नहीं मरते थे. ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस. वह, उसकी परिवार, उसके नौकर हमेशा दिखते थे हैप्पी, खुश एंड प्रॉस्पर, खुशहाल. देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी. देयर प्लम्प, डियर स्टूडेंट, हैवी, हेल्दी, हम लोग बात करते हैं गोल मटोल. फिजिक्स वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी, वॉज एन ओपन एग्जाम्पल, इट वॉज ए प्रूफ टू दिस, यह इसका एक सबूत था. इवन टूडे एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल. और आज भी कोई भी व्यक्ति जैक फ्रूट लाइक अ काइंड ऑफ वेजिटेबल, कटहल की तरह का फिजिक रखने वाला, अपीयरेंस इज इजली कंपेयर टू ए बेकर. उसे किससे कंपेयर कर दिया जाता है डियर स्टूडेंट? उसे एक बेयर से, बेकर से कंपेयर कर दिया जाता है. वन हु लुक्स लाइक ए जैकफ्रूट. डियर स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, अ बेकर फ्रॉम गोवा. आई विल सेंड यू द असाइनमेंट बेस्ड ऑन दिस. होप यू विल एंजॉय. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.